हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्रीज कॉर्नर राधे राधे। तो चलिए आज हम वैभव लक्ष्मी व्रत कथा सुनेंगे। वैभव लक्ष्मी व्रत शुक्रवार के दिन रखा जाता है। मान्यता है कि वैभव लक्ष्मी व्रत अतिशीघ्र फल प्रदान करता है। इस दिन विशेष रूप से धन और वैभव की देवी लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। इस दिन माता लक्ष्मी जी की पूजा में लाल रंग का प्रयोग विशेष रूप से किया जाता है। व्रती को शुक्रवार के दिन सभी कार्य संपन्न कर पूजा के लिए घर में लक्ष्मी जी की मूर्ति या श्रीयंत्र को लाल रंग के कपड़े पर रखकर स्थापित करना चाहिए। माता की प्रतिमा या श्रीयंत्र के सामने बैठकर लक्ष्मी जी के 8 श्री रूपों का ध्यान करना चाहिए। माता लक्ष्मी के 8 श्री रूप निम्न है: श्री वैभव लक्ष्मी, श्री गजलक्ष्मी, श्री अधिलक्ष्मी, श्री विजया लक्ष्मी, श्री ऐश्वर्य लक्ष्मी, श्री वीर लक्ष्मी, श्री धान्य लक्ष्मी, श्री संतान लक्ष्मी। इसके बाद पूजा के लिए एक साफ प्लेट लेकर उसमें करीब 1 मुट्ठी चावल रखकर उस पर जल से भरा हुआ तांबे का लोटा स्थापित करना चाहिए। थाली में 1 या 2 सोने का आभूषण और थोड़े लाल रंग के फूल भी रखने चाहिए। आटे के चूरमे में कुछ फल काटकर पूजा का प्रसाद तैयार कर पूरे विधि विधान से लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए तथा वैभव लक्ष्मी कथा सुनना चाहिए। अंत में प्रसाद को आसपास के लोगों व परिवार वालों में बांटने चाहिए। व्रत का उद्यापन करने के लिए 7 सुहागन स्त्रियों को भोजन करवाकर उन्हें श्री वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की पुस्तक और दक्षिणा दान में देना चाहिए। वैभव लक्ष्मी व्रत में पूरे दिन का उपवास रखते हुए 1 बार भोजन करने का रिवाज है। इस दिन केवल अपने घर का ही भोजन करना चाहिए। अब हम वैभव लक्ष्मी व्रत उद्यापन विधि बोलेंगे। 7, 11 या 21 जितने भी शुक्रवारों की मन्नत मांगी हो उतने शुक्रवार तक यह व्रत पूरी श्रद्धा तथा भावना के साथ करना चाहिए। आखिरी शुक्रवार को इसका शास्त्रीय विधि के अनुसार उद्यापन करना चाहिए। आखिरी शुक्रवार को प्रसाद के लिए खीर बनानी चाहिए। जिस प्रकार हर शुक्रवार को हम पूजन करते हैं वैसे ही करना चाहिए। पूजन के बाद माँ के सामने एक श्रीफल फोड़ें, फिर कम से कम 7 कुंवारी कन्याओं या सौभाग्यशाली स्त्रियों को कुमकुम का तिलक लगाकर माँ वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की पुस्तक की 1-1 प्रति उपहार में देनी चाहिए और सबको खीर का प्रसाद देना चाहिए। इसके बाद माँ लक्ष्मी जी को श्रद्धा सहित प्रणाम करना चाहिए। फिर माता जी के धनलक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करें। हे माँ धनलक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी, वह व्रत आज पूर्ण किया है। हे माँ, हमारी मनोकामना पूर्ण करें। जो भी मनोकामना आप रखे हैं वो हमारी हर विपत्ति दूर करो, हमारा सबका कल्याण करे। जिसे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मन भावन पति देना। जो आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे उनकी सब विपत्ति दूर करना, सभी को सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपार है, आपकी जय हो। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धनलक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम करें। आज वैभव लक्ष्मी व्रत का विधान, विधि और उद्यापन के बारे में सुना है आप लोगों ने, तो कल मैं कथा सुनाएंगे। Wishing you a very happy and a wonderful day to all of you. Thanks for watching. कल फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए राधे राधे।